Assalamualaikum friends, welcome to my channel. कैसे हैं आप सब मेरे friends, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरी आंटियाँ, मेरे अंकल, मेरे जो भी मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं वो सब कैसे हैं। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश खुशहाल होंगे आप सबको। और आप सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में सब मशरूफ़ होंगे। और मैं भी आज बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं अपने छोटे सिस्टर के घर आई हुई हूँ और सुबह में मैं उनको स्टॉप तक छोड़ने के लिए गई थी, और क्योंकि जॉब पे जाती है छोटी सिस्टर, और जब से उनके साथ हादसा हुआ है बैल रोड पे तो जब से वो डर गई है, तो मेरी सिस्टर या जब मैं होती तो हम लोग छोड़ने जाते हैं स्टाफ पे उनको, क्योंकि यहाँ पे वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए वो डर गई हैं जब से। और बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और फिर वहाँ से आके हमने नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर हमने कल हॉस्पिटल, मेरी बड़ी सिस्टर को हॉस्पिटल जाना था हमने, और फौजी फाउंडेशन, फिर वहाँ गए हम लोग। वहाँ से वापसी में फिर हम लोग मार्केट में उतर गए, मार्केट से हम लोग को कुछ सौदा वगैरह लेना था तो वहाँ से लेके फिर हम लोग घर आ गए, और गोश्त वगैरह सब्ज़ी ये सब लेना था, और क्योंकि मेरी सिस्टर छोटी सिस्टर घर में होती नहीं तो अपने बड़े सिस्टर को ये सब कुछ देखना पड़ता है अभी। और फिर वहाँ से सौदा लेके हम लोग घर आ गए, घर वॉक करते हुए ही आए हम लोग वहाँ से, हालांकि दूर पड़ी थी लेकिन मेरी सिस्टर कह रही चलो वॉक करके ही चलते, थोड़ी दूर था यानी कि बाजार जो है घर से थोड़ी दूर है, तो वॉक करते हुए हम लोग आगे बातें करते हुए, और फिर हम लोगों ने मेरी सिस्टर ने हड्डी गुड्डी चस्के जो होते हैं वो ख़रीदे हैं, वो और चढ़ाए हैं वो बनाएंगी, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी और उसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आपको। और मैंने भी गोश्त ख़रीद लिया था यहाँ से, और गोश्त लेकर फिर मैंने तो धागे साफ़ करके फ्रीज़र में रख दिया था, जब जाऊँगी तो वो भी घर ले जाऊँगी अपने। और चले मैं आप लोगों को जो सालन पक रहा है उसको दिखाती हूँ। वैसे तो जब कम्प्लीट हो जाएगा तो जब ही दिखाओ तो ज़्यादा बेहतर है, पक रहा है अभी तो सिलो उस पर, क्योंकि हड्डी गुड्डी जो है गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हड्डी गुड्डी यानी कि डस्के कहते हैं, डस्के भी कहते हैं, हड्डी गुड्डी भी कहते हैं उससे, बस थोड़ा पाए का सारा टेस्ट आता है उसमें। और बाकी मेरी मसरूफियात में एक दो दिन से यहाँ पर आई हुई हूँ, और कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि थोड़ा बिजी थी अपनी सिस्टर की तरफ, तो कल वीडियो नहीं बनाई थी, और अभी तो मैंने सोचा भी वीडियो बना लेती हूँ, और लाइटें भी बहुत जाती है तो लाइटों की वजह से भी, और कुछ अपनी मसरूफियातें भी थी इसलिए, मेहमान भी आए हुए थे घर में तो उन्हीं के साथ लगे हुए थे। बाकी चले आप लोगों को फिर आज की जो मेरी यहाँ की जो रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ कमेंट्स में भी लिख दिया करें, जो कमेंट्स मुझे दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चले ठीक है, फिर मैं आप लोगों को जो सालन पक जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। सबके रिजक में बरकत दे, और ये ब्लैक छोले फ्राई करे थे, थोड़े से वाइन हुए हुए रखे थे तो हमारा दिन चाह रहा था इसलिए हमने इसको भी फ्राई कर लिया मसाला डाल के, और ये इसके साथ हम तंदूरी रोटी सर्व करेंगे, ठीक है। दोपहर को हलीम
अब सलीम, अब सलीम, अब सलीम। ये खा रहे हैं मीठा बनाना, आइसक्रीम बनाई थी लेकिन अब ये फ्रीज नहीं हुई है, ये बस ठंडी तो है, खा लेते। ये हमारे नवासे की फिश है जिसे देखकर वो डर रहे हैं, इसके जो ये दांत बने हुए हैं इसको देख के डर रहे हैं, इससे खेल नहीं पा रहे। उल्टी रखी हुई है इसको।